जय हिंद बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। आइए पहले एक वीडियो देखते हैं। बच्चों, अभी हमने देखा कि मानव को देखकर कैसे अनेक जीव जंतु भाग रहे हैं। वे दुखी हैं और यहाँ वहाँ छुप रहे हैं। वे विवश भी हो रहे हैं। ऐसा क्या कारण है जो ऐसी स्थिति बनी हुई है? बच्चों, क्या आप बता पाएंगे? तो आइए इसका अध्ययन करते हैं। बच्चों, इस जीवन जगत में अनेक जीव जंतु होते हैं। उन्हीं जीवों में से मनुष्य भी एक जीव है। मनुष्य को ईश्वर ने अनेक जीव जंतुओं से अधिक सद्बुद्धि दी है, किंतु मनुष्य इस सद्बुद्धि का दुरुपयोग करता है और अन्य जीव जंतु को प्रताड़ित करता है। इसीलिए बहुत सारे जीव लुप्त होने की कगार पर हैं। बच्चों, अब हम अपनी पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु पर चलते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी लेसन नंबर 11 ऑफ क्लास 12th जनरल इंग्लिश। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं सामान्य अंग्रेजी का पाठ 11 पढ़ेंगे। नेम ऑफ द लेसन इज द राइटफुल इनहेरिटर ऑफ द अर्थ। पाठ का नाम है पृथ्वी के साधिकार उत्तराधिकारी, जिसके लेखक हैं वाइकॉम मोहम्मद बशीर। लेखक का बहुत ही करुणापूर्ण उदार दृष्टिकोण इस पाठ में द्रष्टव्य है। बच्चों, उनका कहना है संसार के सभी प्राणियों को इस धरती पर रहने का अधिकार है और सभी इसके उत्पादन को ग्रहण करने के समान उत्तराधिकारी हैं। लेखक ने हमसे दो प्रश्न किए हैं। What are pests and how do they harm us? Should they be exterminated? Pest क्या होते हैं? वे हमें कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? और क्या इनको exterminate means क्या इनको नष्ट कर देना चाहिए? आगे लिखते हैं, When I became the owner of a tiny little piece of this wide earth, I firmly believed that my future was secure. जब मैं इस विशाल धरती के एक छोटे से भाग, एक छोटे से खंड का स्वामी बना, तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मेरा भविष्य अब सुरक्षित है. It was a 2-acre plot with coconut palms and an old house that could be renovated. यह नारियल के वृक्षों और एक पुराने मकान जिसका रेनोवेशन अर्थात नवीनीकरण किया जा सकता था, सहित एक 2 एकड़ का जमीन था।
Those were the days when the price of coconuts were spiraling. I savored the thought of the palms laden with coconut. It was a happy existence. वे ऐसे दिन थे जब नारियल की कीमतें तेजी से बढ़ रही थी और मुझे नारियल से लदे हुए वृक्षों का विचार कल्पना मात्र से ही बड़ा आनंद आ रहा था, बहुत ही सुखद अस्तित्व था. बट देन अराइव द इंटरलोपर्स, ट्रेसपासिंग, फ्लाउटिंग द लीगैलिटी ऑफ द ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स. बहुत ही आनंद से दिन गुजर रहे थे, परंतु फिर कुछ घुसपैठिए आ गए. इंटरलोपर्स अर्थात घुसपैठिए, ट्रेसपासिंग मींस अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर जाना, एंड फ्लाउटिंग मींस टू शो नो रिस्पेक्ट फॉर लॉ, कानून की अवज्ञा करना, कानून की अवहेलना करना. कुछ घुसपैठिए अनाधिकृत रूप से उनकी जमीन में प्रवेश कर गए. ओनरशिप मतलब स्वामित्व की डॉक्यूमेंट की भी उन्हें परवाह नहीं थी. वॉयलेटिंग द फेंस एट द बाउंड्री, सीमा की बाड़ का अतिक्रमण करते हुए कुछ घुसपैठिए मेरी जमीन में आ गए. डिफाइंग द सेंट्री माय डॉग शान, दे डिडंट सीम टू केयर फॉर एनीवन इन द वर्ल्ड, नॉट इवन द गवर्नमेंट. मेरे संतरी डॉग शान को ऐसा लगता था जैसे उन्हें सरकार सहित संसार में किसी की भी परवाह नहीं थी, ना तो सरकार की, ना ही मेरे संतरी उस डॉग शान की. ये घुसपैठिए इंटरलोपर्स ये कौन थे, आइए हम इसे जानते हैं. द फर्स्ट अराइवल्स वर बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज. सर्वप्रथम मेरी जमीन पर पक्षियों और तितलियों का आगमन हुआ. अ वाइड वैरायटी ऑफ बर्ड्स एंड सो मैनी मैनी ब्यूटिफुल बटरफ्लाइज. तरह तरह के पक्षी और ढेर सारी खूबसूरत तितलियाँ. पर्च्ड ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट्स. पर्च मीन्स बैठना. पेड़ पौधों की डालियों पर बैठी हुई. द बर्ड्स चिर्प्ड. द बटरफ्लाई फ्लटर्ड अराउंड इन द कोर्टयार्ड, फ्लैशिंग देयर कलर्स इन द सनलाइट. चिड़िया चहचहाती हुई और तितलियां धूप में अपने रंगों की छटाएं बिखेरती हुई फड़फड़ाती थी. वी कुड नॉट शो ऑफ द चिरपिंग बर्ड्स एंड द बटरफ्लाइज, बट देन केम द क्रोज. अभी हम इन चहकते हुए पक्षियों और तितलियों को भगा ही नहीं पाए थे कि तभी क्रोज कौवों का आगमन हो गया. देयर रॉकस कॉइंग वॉज मोर इनसफरेबल दैन द रैकेट्स ऑफ अदर बर्ड्स. बिसाइड्स दे सूप डाउन ऑन द चिक्स. उनकी करकश आवाज काव काव करते हुए अन्य पक्षियों के शोर से भी अधिक असहनीय थी, और वे मुर्गियों के बच्चों पर, चिक्स पर झपट्टा मारते थे. दे वर फॉलोड बाय द हॉक्स दैट पर्च्ड ऑन द कोकोनट पाम्स विद द सेम इंटेंट. इन कौवों का अनुसरण किया बाज ने, हॉक्स मीन्स बाज ने, जो ठीक उसी इरादे से नारियल के वृक्षों पर बैठते थे. देयर वर मंगूजेस इन द बैम्बू थिकेट, फॉक्सेस इन द श्रबरी पैच नियर इट, रेडी टू पाउंस ऑन द हैंड्स. शीघ्र ही बांसों के झुरमुट में, बांसों की झाड़ियों में मंगूजेस मीन्स नेवले आ गए, और उसके पास की झाड़ियों में लोमड़ियाँ भी आ गईं, और वे मुर्गियों पर झपट्टा मारने को तैयार खड़े. इवन एज आई वंडर्ड वॉट राइट दीज क्रिएचर्स हैड टू बी ऑन माई लैंड, देयर इमर्ज्ड अ फियर्स क्रीचर विदाउट हैंड्स और लेग्स और विंग्स, अ कोबरा. अभी मैं सोच ही रहा था कि मेरी जमीन पर इन सब प्राणियों के आने का क्या अधिकार था, कि तभी बिना हाथ पैर और पंख के एक भयानक प्राणी मेरी जमीन में आ गया. वह था एक कोबरा, एक काला सर्प
It stood before me, dignified, majestic, asking me what business I had on this patch. वह अपना फन फैलाए गरिमामय शान से मेरे सामने खड़ा था, मानो पूछ रहा हो मेरा इस जमीन पर क्या काम है. I said, you had better leave my 2 acre land immediately. मैंने उससे कहा, बेहतर होगा कि तुम मेरे इस 2 acre जमीन को तुरंत छोड़कर चले जाओ. But then, where could it go? पर वह कहाँ चला जाए? थोड़ी थोड़ी करके मनुष्य ने सारी जमीन पर कब्जा कर लिया है. My wife said, the jackfruit has ripened, but squirrels and crows are feasting on it. Birds and bats are eating up all the guavas, sapotas and graft mangoes. बच्चों, jackfruits means कटहल, squirrels means गिलहरी, guava, अमरूद and sapotas means चीकू, graft mango that means कलमी आम. मेरी पत्नी ने कहा, कटहल पक गए हैं परंतु गिलहरियाँ और कौवे इस पर अपना भोज उड़ा रहे हैं. पक्षी और चमगादड़ सारे अमरूद, चीकू और कलमी आम को खाए जा रहे हैं. But that's the beauty of it, I remarked. God Almighty, who holds the universe together without a single prop, has created a variety of things for His creatures, like fruit, edible roots, grass, grain, flowers, water, air, warmth and light. Don't you think we should remind ourselves always that birds, bees and insects two are entitled to the produce of earth. मैंने अपनी पत्नी से कहा, यही तो मजा है, ये बिल्कुल सही है. उस सर्वशक्तिमान परमात्मा ईश्वर ने सभी जीवों के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का सृजन किया है, जैसे कि फल, खाद्य, कंद मूल, घास, अन्न, फूल, जल, वायु, गर्मी और प्रकाश. ये सभी, क्या आपको नहीं लगता कि पक्षी, पशु, कीड़े मकोड़े सभी पृथ्वी के इन उत्पादों के सहभागी होंगे? सभी पर इनका समान अधिकार होगा. Almighty God, how unfortunate it is that rats have to be killed so that we can live. हे प्रभु, हे ईश्वर, कितने दुर्भाग्य की बात है कि मनुष्य को जिंदा रहने के लिए चूहों को मार दिया जाता है. Can human beings not survive without destroying other creatures of the earth? लेखक जो हैं वो बहुत दुखी हैं और वो इस तरह से कह रहे हैं, क्या धरती के अन्य प्राणियों, अन्य जीवों को नष्ट किए बिना मानव जाति, ये मनुष्य जो है वो जीवित नहीं रह सकता? फिर वे ईश्वर से क्षमा मांगते हैं कि प्रति माह 900 नारियलों का नुकसान हो रहा है, जो कि हमारे जीवन यापन का साधन है, और इसके लिए हम इन चूहों को छल से मार रहे हैं. After shopping for 2 hours, my wife returned home with a large tin of rat poison. आगे लेखक कहते हैं, 2 घंटे की खरीदारी के बाद मेरी पत्नी घर लौटी अन्य वस्तुओं के साथ एक चूहों को मारने वाला जहर, मूषक विष का बड़ा सा डिब्बा भी था. द पॉइजन वॉज मिक्सड विथ बनानास, राइस एंड टैपियोका एंड कैप्ट ऑल ओवर द प्लेस. उस विष को केले के साथ, चावल और अरारोट के साथ मिश्रित किया गया और सभी स्थानों पर रख दिया गया. इन 4 days, 5 hens, 12 squirrels, 200 rats and a cat disappeared behind the curtain of time forever. 4 ही दिन में 5 मुर्गियां, 12 गिलहरियां, 200 चूहे और 1 बिल्ली काल के मुंह में समा गए, अर्थात वे मर गए.
डेड रैट्स रॉटेड इन द एटीक, डेथ वॉज एवरीवेयर, द स्टेंच स्प्रेड ऑल ओवर द हाउस. एटीक, एटीक मीन्स अटारी. ये जो मृत चूहे थे अटारी में सड़ने लगे, हर जगह मृत्यु का तांडव हो गया. घर में सर्वत्र दुर्गंध का साम्राज्य था, पूरे घर में बैड स्मेल आ रही थी. बट टेंडर कोकोनट्स कंटिन्यूड टू फॉल. अ फोर्टनाइट पास्ट, फोर्टनाइट एक पक्ष बीत गया, अ टाइम ऑफ अबाउट 15 डेज, परंतु कोमल नारियल गिरना बंद नहीं हुए. द कोकोनट पाम क्लाइंबर्स देन सेड द आउल्स आर द कल्प्रिट. दे पैक एट द टेंडर कोकोनट. नारियल के पेड़ों पर चढ़ने वालों ने बताया कि उल्लू सही अपराधी है, वे ही कोमल नारियल पर चोंच मारते हैं. पर एक पुरानी मनगढ़ंत कहावत है कि उल्लू शाकाहारी प्राणी नहीं होता. आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स द रियल कल्प्रेट्स वर डिस्कवर्ड, द बैट्स. कुछ महीने बाद असली अपराधियों का पता चल गया, वे थे चमगादड़. After dusk, huge bats come in swarms and cling to the tender coconuts. After dusk, dusk means संध्या का समय. संध्या होने पर, शाम होने पर, झुंड के झुंड बड़े बड़े चमगादड़ आते और कोमल कोमल नारियल से चिपक जाते. They gnaw into the tender flesh and have their fill of coconut water. वे कोमल कोकोनट्स को, कोमल गूदे को कुतरते और पेट भरकर नारियल का पानी पीते. आफ्टर ईटिंग द कर्नल्स दे फ्लाई अवे ग्रेटिफाइड. नारियल का गूदा खाकर वे ग्रेटिफाइड संतुष्ट होकर वहाँ से उड़ जाते. लेट अस बाय अ गन, सेड माय वाइफ, वी कैन शूट बैट्स, फॉक्सेस एंड पोल कैट्स विथ इट. मेरी वाइफ ने कहा, मेरी पत्नी ने सजेशन दिया, हमें एक बंदूक खरीद लेनी चाहिए ताकि हम इन चमगादड़ों को, लोमड़ियों और नारियल के वृक्षों पर चढ़ने वाली बिल्लियों को उस बंदूक से मार सकें. नॉट मी, आई शैल नॉट बी अ पार्टी टू दैट. द गन इज अ सिंबल ऑफ क्रूअल्टी, इट इज द चाइल्ड ऑफ सिन, मैन शुड नेवर हैव इन्वेंटेड इट. लेखक का हृदय बहुत ही कोमल है. उन्होंने कहा, नहीं, मैं नहीं, मैं इसमें सहभागी नहीं बनूंगा. बंदूक जो है वो निर्दयता का प्रतीक होता है, यह पाप की बेटी है. मानव जाति को इसका तो आविष्कार ही नहीं करना चाहिए. माई वाइफ्स कजिन टर्नड अप वन डे विथ एन एक्सपेंसिव ग्रिम लुकिंग गन एंड सेड विद इन अ 10 mile circumferences नियरली 3000 coconuts आर बींग डिस्ट्रॉयड एवरी डे. मेरी पत्नी का चचेरा भाई था, कजिन, एक दिन एक बहुत ही महंगी और मनहूस शक्ल वाली बंदूक लेकर आ गया और वह बोला, 10 mile की दूरी के भीतर प्रतिदिन लगभग 3000 नारियल नष्ट किए जा रहे हैं. देयर इज नो पॉइंट इन शूटिंग द बैट्स एट दिस स्पॉट. इस जगह पर चमगादड़ों को शूट करने का कोई पॉइंट नहीं है, कोई तुक नहीं है. ऑन अ लिटिल आइलेट नियर बाय स्टैंड्स एन ओल्ड टेम्पल, नेक्स्ट टू इट ग्रो अ पेयर ऑफ बैनियन ट्रीज. मेरी पत्नी के चचेरे भाई ने ऐसा बताया कि एक छोटे से समीपस्थ द्वीप पर एक बहुत ही पुराना मंदिर है और इसके पड़ोस में ही बरगद के दो वृक्ष हैं. यू कैन सी एटलीस्ट 3000 बैट्स हैंगिंग ऑन द टू ट्रीज. उसने बताया, इन दोनों बरगद के वृक्षों पर कम से कम 3000 चमगादड़ लटके रहते हैं. आई विल फिनिश देम ऑफ, इफ नॉट इन वन डे, इन 2 to 3 days. मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा, एक नहीं तो 2 या 3 दिन में तो मैं उन्हें मार ही दूंगा. डोंट यू वॉन्ट टू विटनेस द ग्लोरियस साइट ऑफ 3000 बैट्स बींग स्लॉटर्ड. 3000 चमगादड़ों के कत्ल के इस शानदार दृश्य को
आप देखना पसंद नहीं करेंगे? आई प्रेड फर्वेंटली, ओ बैट्स सेव योरसेल्फ। मैंने हृदय से, दिल से प्रार्थना की, हे चमगादड़ों अपनी रक्षा कीजिए। इट वॉज एस्टॉनिशिंग, अ मिरेकल, द बैट्स वर सेव्ड। मैं बहुत ही आश्चर्यचकित था और यह एक मिरेकल मीन्स एक चमत्कार ही हो गया कि सारे चमगादड़ जो हैं वो बच गए। माई वाइफ एंड कजिन रिटर्न्ड शेम फेस। मेरी पत्नी और उसका चचेरा भाई लज्जित होकर लौट आए। टेरिफाइड, डिफ्लेटेड, एजिटेटेडली माई वाइफ सेड, वी जस्ट मैनेज्ड टू एस्केप बाय द स्किन ऑफ अवर टीथ। वे बहुत ही डरे हुए थे। परेशान होकर मेरी पत्नी बोली, हम जैसे तैसे अपने आप को वहाँ से बचा कर आए हैं, हम बाल बाल बच गए। देयर वर सम हाउसेस अराउंड द टेम्पल। इन अ स्प्लिट सेकेंड अबाउट 100 पीपल आर्म्ड विथ लीथल वेपन्स सराउंडेड अस। उसने बताया, मंदिर के चारों ओर कुछ मकान हैं, कुछ ही क्षणों में घातक हथियारों से लैस 100 लोगों ने हमें घेर लिया। दे थ्रेटन्ड टू किल अस इफ वी शॉट द बैट्स। उन्होंने हमें डराया, धमकाया कि यदि वे इन चमगादड़ों को मारेंगे तो वे भी हमें जान से मार देंगे। डू यू नो वाई? तुम जानते हो ऐसा क्यों? दे बिलीव दैट बैट्स आर द सोल्स ऑफ अवर एंसेस्टर्स। क्योंकि उनका विश्वास है, उनका मानना है कि ये जो चमगादड़ हैं वे उनके पूर्वजों की आत्माएं हैं। इसीलिए वे चमगादड़ों को बचाने के लिए घातक हथियारों के साथ वहाँ पर आए थे। आई टुक अ डिसीजन देन, इन नो अनसर्टन टर्म्स आई सेड, बैट्स आर नॉट द सोल्स ऑफ अवर एंसेस्टर्स। तब हमने एक निर्णय लिया। निश्चय पूर्वक मैंने कहा, चमगादड़ हमारे पूर्वजों की आत्माएं नहीं हैं, बट दे आर वन अमंग गॉड्स मैनी क्रिएशंस। लेट कोकोनट्स बी डिस्ट्रॉयड, दैट डजंट मैटर। वे ईश्वर के बनाए हुए जीव हैं। कोकोनट्स नष्ट होते हैं तो होने दो, कोई बात नहीं। उनका भी नारियलों पर उतना ही अधिकार है जितना कि हमारा। वे भी ईश्वर के अंश हैं। ऑल लिविंग बीइंग्स आर द राइटफुल इनहेरिटर्स ऑफ द अर्थ। सभी प्राणी पृथ्वी के वास्तविक उत्तराधिकारी हैं। प्रिय बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संसार के सभी प्राणियों को इस धरती पर रहने का अधिकार है और सभी इसके उत्पादन को ग्रहण करने के अधिकारी हैं। इनको मारना या इनको अधिकार से वंचित करना अपराध है। पर्यावरण और परिस्थिति की दृष्टि से भी यही उचित है। ऑल लिविंग बीइंग्स आर द राइटफुल इनहेरिटर्स ऑफ द अर्थ। सभी प्राणी पृथ्वी के वास्तविक उत्तराधिकारी हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द लेसन। जय हिंद बच्चों।